फिर बोन ग्राफ्टिंग का डॉक्टर ने बोला फिर बोन ग्राफ्टिंग और फिर ऑपरेशन। क्योंकि आपका जितना अच्छी तरीके से ध्यान वो रख रही है, मेरे को नहीं लगता कोई और इस तरीके से रखते होंगे। ठीक है, बहुत मेरे लिए बहुत भगवान के रूप में आई हो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। तो भाई साहब आपको एक छोटा सा रिव्यू बनाने के लिए कॉल किए हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना नाम और कहां से हैं ये थोड़ा सा बता देंगे। मेरा नाम संतोष सैनी है। हाँ, और हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि आपका फीमर फ्रैक्चर था, ठीक है ना, तो ये फ्रैक्चर कब था भाई साहब और किस प्रकार से वो एक्सीडेंट हुआ था? 6 जून 2022 को। अच्छा, बाइक से दुर्घटना में फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद मेरा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल में 6-7 दिन के बाद मेरा पैर ऑपरेशन हुआ। अच्छा, ऑपरेशन हुआ, उसमें प्लेट लगा, डॉक्टर ने प्लेट लगाया, प्लेट एक साल के बाद प्लेट बेंड हो गया। अच्छा, एक साल के बाद प्लेट बेंड हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि फिर दोबारा बोन ग्राफ्ट नहीं हुआ और इसमें फिर ऑपरेशन होगा। अच्छा, फिर हमने फिर दोबारा ऑपरेशन करवाया और बोन ग्राफ्ट भी करवाया। अच्छा, तो जैसा कि आपका एक बार आपने ऑपरेशन करवाया था, फिर साल भर बाद जब प्लेट टूट गया तब आपका बोन ग्राफ्टिंग हुआ, फिर ऑपरेशन हुआ। फिर बोन ग्राफ्टिंग का डॉक्टर ने बोला फिर बोन ग्राफ्टिंग हुआ, फिर ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद फिर क्या कुछ किया गया? उसके बाद हमने यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो देख के चार आयुर्वेदा करके आया हमको, हम कहे कि यहीं से ऊपर करते हैं। ठीक है, आपका उसके बाद बहुत बिहार का देखे, नीतीश कुमार बहुत ऐसा देखे, इसलिए हमको इसलिए हम संपर्क किया। तो आपको भाई साहब झार आयुर्वेदा का संपर्क सूत्र और एक्सीडेंट होने के कितना समय बाद मिला था और कितना समय बाद आपने सोचा कि अब इलाज मेरे को लेना चाहिए? हमने झार आयुर्वेदा के लमसम दूसरा ऑपरेशन 2 महीने के बाद, 14-15 महीने के बाद। अच्छा, चलिए ठीक है। और जब आप इलाज नहीं लिए थे उससे पहले आप क्या कुछ कर पाते थे? तो इलाज नहीं लिए थे उससे पहले हम बॉकर से हल्का फुल्का वेट देके, हल्का थोड़ा सा वेट देके चलते फिरते थे। अच्छा, और जब आपने इलाज लेना शुरू किया तो इलाज के, जैसे आज हमने पहला मेडिसिन यूज किया, तो कितने दिन बाद से आपको समझ में आया कि नहीं मेरे को थोड़ा बहुत काम कर रहा है जो दवाई हम यूज कर रहे हैं? पहले मेडिसिन में तो हमको कुछ समझ आया नहीं। अच्छा, और उसके बाद मैंने दूसरा मेडिसिन यूज किया, थोड़ा थोड़ा महसूस मेरे पैर में कुछ हो रहा है। अच्छा, फिर हमने तीसरा मेडिसिन भी यूज किया, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, जब आप 3 मेडिसिन मेरे ख्याल से लगभग महीना भर बाद आपने एक्सरे के लिए गए थे, ठीक है ना, तो एक्सरे में क्या कुछ बताया गया, डॉक्टर आपको क्या कुछ बोले? एक्सरे में डॉक्टर ने बताया कि आपका हड्डी टूट रहा है। जब 3 मेडिसिन यूज करने के बाद बताया कि आपका हड्डी लमसम 50% जुड़ चुका है। बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल से लगभग 1-1.5 महीना बाद आप शायद बहन जी के साथ दिल्ली या कहीं गए थे हॉस्पिटल, आप बता रहे थे हमें, क्योंकि आपने दिल्ली से हमें कॉल किया था, याद है? हाँ, दिल्ली में है। तो उस वक्त आप क्या कुछ के लिए उधर गए थे हॉस्पिटल और उसमें क्या कुछ आपने टेस्टिंग वगैरह करवाया था? उसमें गए थे एक्सरे करा कर देखने के लिए कि अभी कितना हड्डी रुक हुआ है कि नहीं, तो एक्सरे में लमसम सही बताया डॉक्टर ने। तो डॉक्टर से मिले थे आप? हाँ, यहाँ के डॉक्टर से मिले थे, अपने जो वहाँ के डॉक्टर से जो दिखाए थे वहाँ के डॉक्टर से तो मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? यहाँ के डॉक्टर से मिले थे, क्योंकि मेरे को याद है कि जैसे आप जब वहाँ गए थे, जैसे ही आपने एक्सरे करवाया, बहन जी ने सीधा हमें कॉल किया था, हमें याद है, और हमने बात किया था और ये कुछ, हाँ, उनको हमने बताया था कि अभी आपका एक्सरे काफी बढ़िया है पहले से। और अभी चलना फिरने किस प्रकार से आप करते हो? तो चलना फिरना करते हैं, हल्का चलते। तो हल्का फुल्का चल के दिखा सकते हो क्या आप अभी हमें? हाँ, दिखा सकते हैं। दिखाओ तो फिर हम लोग बात करते हैं समस्याओं पर। आपका कोई है नहीं तो हम अपने चल कर बता रहे हैं। फोन को ऐसा करिए, ऊपर करिए। थोड़ा थोड़ा सा फोन को ऊंचा करिएगा, तो फोन को थोड़ा ऊपर इस तरीके से। चलिए, बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत लिंपिंग है, चला जाएगा वो धीरे धीरे से, जैसे जैसे हमारी हड्डी मजबूत होगी वो लिंपिंग भी उम्मीद है चला जाएगा। और अभी हम पूरा इलाज नहीं कंप्लीट किए हैं, जैसे जैसे हम इलाज कंप्लीट करेंगे, ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा हमारा, क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना?
बहुत अच्छा चल रहा है पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया है। कोई है नहीं, किए हुए ऑपरेशन चल रहा है। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये कंडीशन आपका बहुत बढ़िया है भाई साहब। अब दिक्कत क्या क्या होता है थोड़ा सा बताओ तो, क्योंकि दिक्कत का भी जानना हमें जरूरी है। दिक्कत सर यही होता है, घुटना है ना, घुटने में दर्द करता है। दर्द करता है ठीक है, जहाँ पे फ्रैक्चर है वहाँ पे हल्का सा सूजन अभी हो गया है। ठीक है, और चलने फिरने में लिंपिंग? हाँ चलने फिरने में लिंपिंग है, सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं। सीढ़ी चढ़ लेते हैं आप? बता रहे हैं। अच्छा चढ़ के चढ़ी चढ़ी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आराम से चलना है हमें, है ना, अभी झटका दे करके नहीं चलना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिस्क नहीं लेना है हमें इस कंडीशन में, ठीक है ना। बस बस हो गया हो गया। चलिए आप फोन को थोड़ा सीधा कर लीजिएगा। देखिए भाई साहब ऐसा है कि जो समस्या अभी हमें हो रहा है ये कुछ दिन तक और होगा। कारण इसका ये है कि जैसे जैसे हमारा इलाज आगे चलेगा ना, हमारी हड्डी धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी, और जैसे जैसे हड्डी मजबूत होती जाएगी जो दर्द हमें होता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समय के बाद पूरा खत्म हो जाएगा। और उस वक्त हम पूरी अपनी जिंदगी जो है पहले जिस तरीके से थे वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी जो होता है ना अभी बैलेंस अभी कभी कभी नहीं बन पाता। अच्छा, बैठते उठते हैं तो पूरा भी बेंड पर नहीं होता। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है ना, थोड़ा समय हम लोग अभी देंगे और थोड़ा बहुत जब हम लोग इलाज ले लेंगे आगे का, और उसके बाद हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। अभी रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा समय के बाद हम लोग वो चीज करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और बहन जी से तो हमारा बात आज हो नहीं पाया, वो बाहर है, कोई बात नहीं, आपसे हमारा बात हो गया बहुत बढ़िया, और हम उम्मीद करेंगे उनसे भी बहुत जल्द हमारी बात हो, ठीक है। कल संडे है, कहीं छुट्टी होगा तो कल हम बात करवाएंगे। जरूर जरूर, उनसे बात होना जरूरी है, क्योंकि आपका जितना अच्छी तरीके से ध्यान वो रख रही है, मेरे को नहीं लगता है कोई और इस तरीके से रखते होंगे, ठीक है। बहुत मेरे लिए बहुत भगवान के रूप में आई हो। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग को समझ में आता है, क्योंकि मेरे को जितना तक याद है ना कि पहले दिन से जितना हमें याद है कि हमने आपसे ज्यादा उनसे बात किया है, उनसे बात किया है। तो आप एक चीज समझो कि काफी बार ये देखा गया है कि घर में कोई एक इंसान अगर रेडी होता है कि मेरे को झारा आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट लेना है, इलाज लेना है, तो घर के बाकी सदस्य जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये कैसा है, ये है वो है, नहीं लेने देते। लेकिन आपका हमने देखा कि आपसे ज्यादा उनको इंटरेस्ट था। और ये ऐसा होता है ना भाई साहब कि घर की लक्ष्मी जब किसी चीज पर हाथ डालती है तो वो कुछ भी चीज हो, खराब भी क्यों ना हो, अच्छा हो जाता है, और वो कंडीशन अभी आपका है। इसीलिए हमने तो याद है कि पिछले शायद मेरे ख्याल से जब जब से हमने उनसे बात करना शुरू किया अधिकतर समय उन्हीं से हम लोग बात करते थे, वही रिस्पोंड करती थी और वही आपसे बात करती थी। हमें याद है मेडिसिन यूज करवाने वक्त भी वो आपसे पहले शायद जगती थी और सारा कुछ तैयार करती थी। ठीक है, बात कहीं संडे कल है, कहीं छुट्टी होगा तो कल बात हो जाएगा। जरूर जरूर, हम चाहेंगे उनसे बात करना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। छुट्टी होगा तो बात नहीं होगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से उनको काम करने दीजिए, आखिर आप ही के लिए वो कर रही है ना। ये तो है। अच्छा ठीक है ना, आप भी ठीक हो जाएंगे, थोड़ा समय दीजिए, आप भी ठीक हो जाएंगे, फिर मिलकर काम करते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई साहब, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना भी और बहन जी का भी, ठीक है, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए आप ध्यान रखिए अपना, नमस्कार। अगर आप भी हड्डियों से संबंधित किसी प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप टाटा नगर जमशेदपुर में आकर के झार आयुर्वेदा से मिल सकते हो, और इस तरीके का जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिस चीज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो, हम लोग कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड जो वीडियो है जल्द से जल्द लेकर के आए और आपको उसकी जानकारी दें। तो बस इसी के साथ हम आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। ध्यान रखें अपना और अपनों का, तब तक के लिए नमस्कार।